हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं आपके साथ चीज ऑमलेट सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं चीज ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर रही हूं। इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडों को मैं इसमें फोड़ दूंगी। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। मैंने एक ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया है, मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने हरा धनिया लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप करके रख दिया है, ये भी डाल दूंगी। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ग्रीन चिली और थोड़ा सा रेड पेपर। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के जितना नमक डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी सारी चीजों को। आप नमक मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें मैं 2 टीस्पून के जितना दूध भी डालूंगी। ऑमलेट का मिश्रण बनके तैयार हो चुका है। अब मैं बाकी का प्रोसीजर करूंगी। तवा गरम होने आ चुका है, अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, अब मैं ये सारा मिश्रण तवे में डाल दूंगी। अंडे को अच्छे से फैला दूंगी हर जगह। अब मैं इसके ऊपर ब्रेड रख दूंगी। ऐसे ही टर्न करके सारी 4 स्लाइस रख दूंगी मैं। दूसरे वाला भी ऐसे ही कर दूंगी। अब मैं इसे पलटा दूंगी। अंडा इसके ऊपर और डाल दूंगी, जिधर जिधर खाली है इससे अंडा पूरी तरफ लग जाएगा। अंडा अच्छे से एक तरफ पक चुका है, अब मैं इसे टर्न कर दूंगी। अंडे को धीरे से टर्न कर दूंगी ऐसे। दूसरे साइड भी इसे मैं अच्छे से पका लूंगी। अब मैं इसे फिर से टर्न कर दूंगी। अब
मैं इसके ऊपर चीज रख दूंगी, चीज स्लाइस रख दूंगी। ऐसे ही दूसरे ब्रेड में भी चीज स्लाइस रख दूंगी मैं। मैं ऐसे इसकी कोनी काट लूंगी। अब इसे मैं मोड़ दूंगी, दूसरे वाले को मैं ऐसे ही मोड़ दूंगी। तो दूसरी साइड पे टर्न करके पका लूंगी ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब मैं इसे ऐसे कट कर लूंगी, सैंडविच शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। मैं दूसरे ब्रेड को भी सैंडविच शेप में कट कर दूंगी। चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी। ये देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चीज सैंडविच बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी।